हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी टेली प्राइम एजिशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको अब यहाँ पे सर्विस टैक्स के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए जो सर्विसेज आप सेल करते हैं उस पर GST देनी पड़ती है। मान लीजिए आप एक होटल व्यवसायी हैं और आपने किसी कस्टमर को रूम रेट सर्विस दी है, तो उसकी एंट्री किस प्रकार से की जाएगी, इसके लिए सबसे पहले कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर आपको एफिलियन फीचर ऑन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको GST के फीचर ऑन करने हैं और यहाँ पे आप डिटेल लिखनी है, जैसे आपका GST नंबर। ये फीड करने के बाद फिर आपको लेज़र बनाने हैं जिसको आप सर्विस दे रहे हैं, जिस कस्टमर को, उसका एक लेज़र बनाएंगे। जैसे आपने एक लेज़र बना लिया और यहाँ पे आप सनी डेटर ग्रुप ले लेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे कंज्यूमर के लिए ये फीचर सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे इस तरह से। और एक सेल का लेज़र बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ सेल का लेज़र बनाया हुआ है पहले से, तो यहाँ पे हम एक सेल का लेज़र बनाएंगे और एक GST के भी लेज़र बनाएंगे, SGST CGST के। उसके लिए क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे लेज़र बनाएंगे, जैसे SGST, और यहाँ पर उसका ग्रुप आएगा ड्यूटी टैक्सेस। ये लेने के बाद, GST लेने के बाद यहाँ पे हम स्टेट ले लेंगे, स्टेट GST, और एंटर प्रेस कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम एक CGST का लेज़र बनाते हैं यहाँ पर, और सब ग्रुप भी यही ड्यूटी टैक्सेस आ जाएगा। यहाँ GST सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंट्रल GST सेलेक्ट करेंगे, CGST, और एंटर प्रेस करते हुए ये लेज़र बनाएंगे। और जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट और फिर यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप रूम रेंट देते हैं, तो यहाँ पर आपने एक रूम रेंट का लेज़र बना लिया, यहाँ पे आपने रूम रेंट का लेज़र बनाया। ये लेने के बाद एंटर देंगे और यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करेंगे जो बनाई हुई है और एप्लीकेबल करेंगे GST को। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आपको स्लैब बनानी है, तो यहाँ पे लेंगे स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट्स। ये लेने के बाद मान लीजिए आपके यहाँ रूम 5000 से कम रेट के भी हैं और 5000 से ज़्यादा के रेट के भी हैं, और दोनों में GST अलग अलग चार्ज होता है, तो हम इस तरह से स्लैब बनाएंगे इसकी। जैसे 5000 तक मान लीजिए कोई रूम रेंट सर्विस देते हैं तो उस पर 18% चार्ज करते हैं GST, और यदि कोई 5000 से ऊपर के रेंट पे रूम है तो उसके लिए हम 28% चार्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे स्लैब बना सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से एंटर देके एक्सेप्ट करा देते हैं। और इसकी जो एंट्री होगी वो इस तरह से होगी, वाउचर पर जाकर यहाँ पर हम सेल लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। सेल लेने के बाद यहाँ पे कंज्यूमर का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंज्यूमर को हम सर्विस सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेने के बाद इस जगह सेल ले लिया, उस जगह रूम रेंट लेंगे सर्विस जो बनाया हमने। मान लीजिए 1 रूम रेंट पे लिया कस्टमर ने, और यहाँ पे हम उसकी चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए 3000 रुपीज़ पर रूम रेंट है, वो हमने टाइप कर दिया यहाँ पे, ये आया। इसी तरह से यहाँ पे एक रूम और कस्टमर ने लिया है जिसका रूम रेंट 7000 है, तो यहाँ पे हमने 7000 लिख दिया इस तरह से। ये दो रूम हुए, एक 5000 से कम वाला है, एक 5000 से ज़्यादा का है रूम रेंट है, और उस पर हम GST चार्ज करेंगे इस तरह से। CGST और SGST हम चार्ज किया, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दोनों रूम पर अलग अलग GST चार्ज हुआ है, एक पे 18%, एक पे 28%। इसकी डिटेल देखने के लिए राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ ऊपर GST टैक्स एनालिसिस, एंटर देके यहाँ पे अल्टर F1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ डिटेल आ गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 5000 से कम रूम रेंट है उस पर 18% चार्ज हुआ है, जो 5000 से ऊपर रूम रेंट है उस पर 28% GST चार्ज हुआ है। इस तरह से NTM कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।